गाइस, माय सेल्फ किंजल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस्टिवल कलेक्शन। जी हाँ, सारा का सारा जो है वो अफोर्डेबल रेंज में तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन कुर्तीज भी है, कुर्ता सेट्स भी है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कुर्ता सेट लिया है बहुत ही अच्छा है और काफी ब्यूटीफुल है। कुछ इस तरह से है, रेड मरून कलर जो बोल सकते हैं वो कलर में है, और पर्सनली मुझे रेड मरून कलर बहुत पसंद है। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही होगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पे नेक में बहुत ब्यूटीफुल सा आपको थ्रेड वर्क मिल जाता है, सिक्वेंस वर्क मिल जाता है, पाइपिंग वर्क किया गया है, और इसको आप वेडिंग्स में, फेस्टिवल में पहन सको। इतना ब्यूटीफुल कुर्ता है, वारंगा ब्रांड का है। साइज मेरी मीडियम है बट अवेलेबल नहीं थी, ओनली एक्सेल ही अवेलेबल थी, और मुझे चेक भी करना था, आप लोगों के साथ इसका कलेक्शन और रिव्यू भी शेयर करना था, तो फिर मैंने एक्सेल ले ली। नेक में यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा योग में वर्क मिल जाता है, प्यारा सा। प्राइस अकॉर्डिंग देखे तो काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल कुर्ता है। स्लीव में भी आपको थ्रेड वर्क मिल जाता है, बॉर्डर वगैरह है, सिक्वेंस वर्क किया गया है, और काफी कंफर्टेबल है, गर्मी वगैरह भी नहीं लगेगी। इसके अंदर सिल्क का फैब्रिक है। नेक के एरिया में बहुत हैवी सा वर्क है, और बाकी सारी जो कुर्ती है वो प्लेन रखी गई है। लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती है, लाइनिंग के साथ आपको मिल जाती है। इसके साथ कुर्ता ट्राउजर एंड दुपट्टा भी है। बैक साइड हम इसकी देखें तो बैक साइड ऊपर से लेके नीचे तक आपको प्लेन मिल जाती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, वैसा है, और मुझे बहुत ये पसंद आया है। इसके साथ जो ट्राउजर आया हुआ है वो भी मरून कलर का मिलता है, वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाती है, और इसका फैब्रिक जो है वो भी सिल्क का है। ट्राउजर है, नीचे ट्राउजर में आपको जो है वो बॉर्डर मिल जाती है, थ्रेड वर्क किया गया है, सिक्वेंस वर्क किया गया है इस तरह से, और प्लेन है, अदरवाइज नीचे बॉर्डर है। तो इसके फैब्रिक की बात की जाए तो काफी अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। दुपट्टा इसके साथ मिलता है, वो सिफोन का मिलता है, रेड कलर का, और इसमें आपको जो है चारों साइड लाइक वो जो गोल्डन टेसल्स आते हैं ना, राजस्थानी जो चुंदड़ीज होती है ना दुपट्टे होते हैं, उसमें जो टेसल्स वाली बॉर्डर होती है गोल्डन, वैसी बॉर्डर आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाती है, गोल्डन कलर की, रेड एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में रखा गया है। सीफोन का फैब्रिक है इसका जो दुपट्टे का है, दुपट्टा काफी लंबा है, अच्छा खासा है। दुपट्टे की वजह से भी कुर्ता सेट का जो लुक है टोटली हैवी हो जाता है। तो आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। इसको आप जो है गोल्डन इयररिंग्स के साथ तो वेयर कर ही सकते हो, बट साथ ही में आप जो है कॉन्ट्रास्ट कलर में अगर आप इसको वेयर करना चाहते हो, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर जिसको बोलते हैं, तो आप इस तरह से ग्रीन कलर की ज्वेलरी के साथ आप इसको वेयर करते हो तो काफी अच्छा लुक आता है। रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने यही इयररिंग्स पहनी थी, तो आप भी इस तरह से स्टाइल कर सकते हो इसको। अभी जो है वो दूसरा जो मैं दिखाने वाली हूँ कुर्ता सेट, पूरा विद दुपट्टा है, ब्लू कलर का है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। नेक में आपको सिक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क मिल जाता है, पूरा हैवी रखा गया है। लॉन्ग स्ट्रेट कट है। नेक की बात की जाए तो नेक में आपको जो डल गोल्डन सिक्वेंस आती है ना वो देखने को मिल जाती है, थ्रेड वर्क वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, पूरा हैवी सा नेक है इसका। और स्लीव में भी आपको जो है वो सिक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। अगेन लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ता है, इसमें आप देखोगे ना तो फ्रंट साइड पूरी हैवी है, फ्रंट में आपको पूरी में आपको सीक्वेंस वर्क एंड थ्रेड वर्क सब कुछ मिल जाता है, तो फ्रंट का जो लुक है टोटली हैवी आएगा। मुझे लगा था कि एम्ब्रॉयडरी होगी ओनली, बट एम्ब्रॉयडरी नहीं है, और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सीक्वेंस वर्क भी ऑल ओवर कुर्ते में फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है। इसका नेक काफी ब्यूटीफुल है, काफी अच्छा रखा गया है। बैक साइड इसकी देखते हैं तो बैक साइड ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो प्लेन रखी गई है। इसमें हम देखते हैं तो इसमें लाइनिंग नहीं है, बट लाइनिंग की कोई इतनी नीड नहीं है बिकॉज कि ये डार्क कलर है। और ब्रांड कौन सी है तो ब्रांड अगेन वारंगा है। साइज जो है वो मीडियम ली है मैंने। इसके साथ जो ट्राउजर है या प्लाजो वो चेक करते हैं, ब्लू कलर का आपको मिलता है, लॉन्ग स्ट्रेट कट ट्राउजर कम प्लाजो बोल सकते हैं, वैसा ब्लू कलर का मिल जाता है। वेस्ट में आपको इलास्टिक मिल जाता है,
सॉलिड कलर का है। नीचे ट्राउजर में आपको जो है अगेन वही वाला वर्क देखने को मिल जाता है जो कुर्तेज वगैरह में रखा गया, लाइक सिक्वेंस वर्क एंड थ्रेड वर्क जो है वही आपको नीचे ट्राउजर में देखने को मिल जाता है। दुपट्टे की बात की जाए तो फ्लोरल प्रिंट वाला आपको दुपट्टा मिल जाता है। सम काइंड ऑफ ऑर्गेन्जा फैब्रिक का आपको वाइब आएगा, ऑर्गेन्जा जैसा ही है बट ऑर्गेन्जा कम जॉर्जेट बोल सकते हैं वैसा है। बड़े बड़े फ्लावर्स दिए गए हैं, रोजेस दिए गए हैं, चारों तरफ आपको गोल्डन कलर की इस तरह से टेसेस देखने को मिल जाती है, मतलब कि बॉर्डर लगाई गई है गोल्डन कलर की और लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो कॉम्बिनेशन जो है नया है और काफ़ी अच्छा रखा गया है। उसके बाद जो मैंने कुर्ता लिया है गोटापत्ती वाला है, हैवी सा ब्रॉकेट टाइप का, ब्रॉकेट सिल्क जो बोलते हैं ना वैसा फैब्रिक में है। नेक में काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको गोटापत्ती वर्क मिल जाता है और ये फैब्रिक जो है ना वो शेडेड है, लाइक कलर इसका जो है वो शेडेड है। मूव करते हैं ना आप तो इसमें आप थोड़ा सा ग्रीन रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा सा पिंक पर्पल रिफ्लेक्ट होता है। धूप छाव टाइप का जो फैब्रिक होता है वो है, साथ ही में सिल्क रखा गया है ब्रॉकेट टाइप का। स्लीव में आपको जो है वो सिल्वर बॉर्डर लगाई गई मिल जाती है और नेक का एरिया काफ़ी हैवी रखा गया है, बहुत ब्यूटीफुल है। कोई भी हैवी इयररिंग्स के साथ इसको स्टाइल करते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लॉन्ग स्ट्रेट कट कुर्ती है, ओवरऑल कुर्ती जो है वो प्लेन रखी गई है और जो नेक का एरिया है वो हैवी रखा गया है और स्लीव में भी आपको बॉर्डर्स मिल जाती है। बैक साइड आप देखोगे तो बैक साइड भी पूरी प्लेन रखी गई है, काफ़ी अच्छा कुर्ता है। गर्मी लगने के चांस डेफिनेटली है इसमें, तो अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो मत लीजिएगा, अदरवाइज अभी विंटर आ रहे हैं तो विंटर में चल जाएगा। और इसको आप जो कुर्ता है उसको इस तरह से इयररिंग के साथ आप वेयर करते हो ऐसी इयररिंग्स या फिर ऑक्सीडाइज इयररिंग्स के साथ भी स्टाइल करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने लिया है एक और कुर्ता येल्लो कलर का, पूरा सॉलिड कलर बोल सकते हैं वैसा येल्लो सॉलिड, मतलब इसमें और कोई कलर ऐड नहीं किए और वर्क भी गोल्डन रखा है तो सम काइंड ऑफ सॉलिड का फील आता है। नेक की बात की जाए तो नेक में बहुत ब्यूटीफुल सा सीक्वेंस वर्क थ्रेड वर्क वगैरह किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक जो है वो काफ़ी हैवी लग रहा है, इसको आप फेस्टिवल में तो पहन ही सकते हो, इवन वेडिंग्स में या हल्दी में भी पहन सकते हो वैसा है। और इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क कम शाइन वाला जो आता है ना वो सिल्क जो आता है वैसा है, लूज मटेरियल है थोड़ा सा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और फ्रंट में आपको टोटली जो है वो सीक्वेंस वर्क थ्रेड वर्क सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो फ्रंट का जो लुक है टोटली ब्यूटीफुल आने वाला है। बैक साइड हम अगर इसके देखते हैं तो बैक साइड प्लेन रखी गई है ऊपर से लेके नीचे तक की और इसमें जो है आपको लाइनिंग मिल जाती है, स्लीव में लाइनिंग नहीं है, बाकी कुर्ते में आपको जो है वो लाइनिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा वाला है, काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल कुर्ता है, सटल है, इतना भपकीला नहीं है, तो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। लिबास ब्रांड का है, मीडियम साइज इसमें मैंने ली है तो आप इसको वेयर कर सकते हो, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसको आप इस तरह के इयररिंग्स के साथ वेयर करते हो टेसल वाली तो भी अच्छा लगता है, या फिर पूरी गोल्डन या पूरी पिंक के साथ भी वेयर करते हो येल्लो पिंक के कॉम्बिनेशन में तो भी ये कुर्ता जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ आप गोल्डन कलर का जो ट्राउज़र वगैरह आते हैं वो वेयर करते हो या स्कर्ट भी ले लो तो अच्छा लुक आएगा। और पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी वर्क वगैरह देखा जाए तो प्राइस अकॉर्डिंग 700-800 से लेके आपको मैक्सिमम 1200-1500 तक में आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिंत्रा पे देखने को मिल जाता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो इनमें से कौन सा वाला पसंद आया वो भी बताइएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।